हमारे मन में क्या होता है, मन में चार बातें होती है, मन में भी चार बातें, पहली है स्मृतियां मेमोरीज, दूसरी है वृत्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड दृष्टिकोण नजरिया, और फिर है भावनाएं और फिर है संकल्प। तो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, हमारे यहाँ पर दो कॉपी है, हमारे तो आत्मा में कॉपी है मेमोरी स्मृतियां हमारे, इसको हमारी मेमोरी रिकॉर्डेड है पहले से, वो एक आत्मा में कॉपी है, और दूसरी एक हार्ड कॉपी ब्रेन में भी, जिस शरीर में हम होते हैं ना उसमें हमारी हार्ड कॉपी रहती है, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में और हार्ड कॉपी ब्रेन में। अब जैसे मेरा चीज चंचल हो गया, बेचैन अशांत, उसमें कौन से भाव ज्यादा हो रहे हैं, काम को तो दो मोबाइल जाके रहो, तो कौन सी जगह खुलेगी, मेरी कौन सी मेमोरी की फाइल खुलेगी, तमो पदार्थ फाइलें, काम विकार की फाइलें, क्रोध की फाइलें, लोभ की फाइलें, मोह की फाइलें, अहंकार की स्मृतियां जाकर खुल जाएगी, देवान की स्मृतियां जाकर खुल जाएगी, देखे संबंध संपर्क की स्मृति जागृत हो जाएगी, देखे पदार्थों की स्मृति जागृत हो जाएगी, और वो जागृत होने से क्या होगा, स्मृति की जैसे स्मृति वैसी स्थिति होगी, स्मृति से स्थिति बनती है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, फिर हम ऐसा महसूस करते हैं, दैट को ऐसा ही महसूस करते हैं, अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे तो शरीर में ये तकलीफ है, मेरे तो ये बीमारी है, मेरे बच्चे तो मेरा साथ देते ही नहीं, मेरी उम्र तो मेरा साथ देती ही नहीं, मेरे ऑफिस में तो मेरा बॉस तंग करता है, मेरे नीचे वाले मेरा काम करते ही नहीं, मेरे को मेरी इज्जत ही नहीं करते हैं, हर समय अपने अंदर से यही विचार करते हैं, यही फायदे करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, फिर जैसी स्थिति होती वैसी वृद्धि बनती है, वृत्ति माना एटीट्यूड, जैसे मेरी मेरी स्थिति बन गई, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बीमार हूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरी एटीट्यूड, क्या होगा मेरी वृत्ति, कैसी होगी मेरी वृत्ति, में असहाय की वृत्ति, असहाय मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यही वृत्ति पर चलती हूँ, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली स्थिति पर, किसी का सहारा नहीं होगा, ये बड़े हैं, समझदार हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, उनके ही उनको ही समझूंगा, बस ये मेरे सब कुछ करे, किसी का झुकाव किसी का प्रभाव में हो जाए, किसी का टकराव हो जाए, ये मेरा दुश्मन है, यही की वृत्ति, फिर वैसी ही दृष्टि बन जाएगी, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और फिर जैसी दृष्टि वैसा वायुमंडल, फिर मेरे घर के आसपास, मेरे घर में जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा सेंटर है, वहाँ भी ऐसा ही वायुमंडल, और जैसा वायुमंडल बनने का मतलब मेरे आसपास ऐसे वाइब्रेशन निकलेंगे जो नेगेटिव, उसमें जो भी लोग मुझसे मिलने आएंगे, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे मैं ऑफिस में बैठता हूँ, वो आगे लोग भी इतने पॉजिटिव लोग भी आगे उसमें नेगेटिव होते हैं, भले मेरे बारे में सच्चा सोचते हुए आएंगे कि तो मेरे नजदीक आते वो भी नेगेटिव होते हैं, मेरे छिड़के बात करेंगे, इरिगेटों के बात करेंगे, इनसिक्योरिटी से बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, शांति से बात करें, प्यार से बात नहीं करेंगे, समझ रहे कैसे संसार और संस्कार का कनेक्शन, अंदर के संसार से क्या कनेक्शन है बाहर के संसार का, तो परिवर्तन होंगे नहीं होंगे, जैसी मेरी स्थिति, जैसी मेरी स्थिति थी उससे मेरी वृत्ति बदली, और वृत्ति से दृष्टि बदली, दृष्टि से वायुमंडल बदली, अब मैं उसको शक की निगाह से देखूंगा, अनुमान की निगाह से देखूंगा, चिंता भय से बात करूंगा, ईर्ष्या द्वेष से बात करूंगा, जल्दीबाजी से बात करूंगा, वैसा ही मेरा जैसे फिर वैसी ही भावना, वैसी भावना पैदा, किसी के प्रति तो ऐसी भावना पैदा उसने मुझे अपनी जान दे दी, और किसी के ऐसी भावना होगी इसका भी, इसको भी खत्म कर, ये ऐसा चला जाए, चली जाए, नहीं ऐसा होता है, घरों में क्या होता है, घरों में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, यही होता है ना, नहीं होता, फिर वैसे वाइब्रेशन निकलते, वाइब्रेशन हजारों भी दूर तक आते, हजारों भी दुख तक आए, जिसको आपने दुख दिया होगा वो वाइब्रेशन आप कैच करें, सुख दिया होगा सुख के वाइब्रेशन, क्योंकि दुख ज्यादा लोगों को दिया होता है, नेगेटिव है आप तो नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करते हैं चारों तरफ से, नेगेटिव 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 नेगेटिव,
इसलिए भी नशे में रहता है, नींद आनी बंद हो जाती है, फिर वैसे संस्कार चलते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, हमारे संस्कार अंदर के संसार के आधार पे, दिल के आधार पे मेरी स्मृति वृत्ति भावना सबका दूषित होता है।